नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी की प्रचार गाड़ी पहुंची तो थी वोट मांगने, पर्चा बांटने, अपने जहां पनाह का गुणगान करने, लेकिन वहां उसका सामना हो गया गांव की महिलाओं से। प्रचार वाले को आदत थी औरतों को मूर्ख समझने की, कि कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे, लेकिन औरतें पूछने लगी सवाल। बताओ हमारे बच्चे का रोजगार कौन खा गया? बताओ 1000 रुपए का सिलेंडर हम कहां से भरवाएं? बताओ 100 रुपए का पेट्रोल कहां से खरीदें? बताओ 250 रुपए का सरसों तेल कैसे खरीदें? हमारा रोजगार कहां है? करम जले तुम्हारी निखट्टू सरकार कहां है? इस सवाल पर बीजेपी की प्रचार गाड़ी में बैठे लोगों को सांप सूंघ गया। वो भागने की तैयारी करने लगे, और इसके बाद तो आगे आगे बीजेपी की प्रचार गाड़ी और पीछे पीछे गांव की साधारण घरेलू लेकिन नागरिकता के बोध से भरी हुई सचेत औरतें। औरतें इस कदर गुस्से से भरी हुई थी कि ये प्रचार गाड़ी अगर थोड़ी देर भी ऊल जलूल लाउड स्पीकर बजाती तो औरतें उसे पलट डालती। सवाल पूछती हुई औरतों को पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए संसार की सबसे विशाल पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके बारे में उसके भीष्म पितामह श्री श्री अमित शाह का ख्याल है कि उसके कार्यकर्ताओं की संख्या 86 लाख है। जी हाँ, हिंदी में 86 लाख और अंग्रेजी में 46 लाख। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख करे 46 लाख। हंसने की बात नहीं है, रामानुजम और आर्यभट्ट जिंदा होते तो अपनी गणित विद्या में आग लगाकर आत्महत्या कर लेते, और शेक्सपियर ने तो अपना वो डायलॉग ही बदल दिया होता कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। उसने इसको कर दिया होता हर 86, 86 नहीं होता बावले। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता 86 लाख करे 46 लाख। समझिए कि भाजपा के ज्ञानियों का डंका बज रहा है। 12वीं के बाद इंटर, 86 की अंग्रेजी 46, इसके आगे का शाहकार है अमेरिका में योगी आदित्यनाथ का डंका। लेकिन ठहरिए, क्या आपके मुद्दे हैं? विचार देश की तरफ है, देशभक्ति की तरफ है, झूठे राष्ट्रभक्ति की तरफ नहीं है। और ये आपको भी मतलब ये कि मैं निवेदन करूंगा कि इसमें आप अपना सहयोग दें और देश की मीडिया सहयोग दे, और ये सोचे देश की मीडिया के माना बाहर आएगी लेकिन खिजा बदोश, माना बाहर आएगी लेकिन खिजा बदोश, यहाँ बाघ भाई दुश्मनी करता है बाघ से, माना बाहर आएगी लेकिन खिजा बदोश, यहाँ बाघ भाई दुश्मनी करता है बाघ से, और गांधी की मौत पर मुझे कहना पड़ा जहीर, इस देश को आग लग गई घर के चिराग से। जो लोग आज के दौर में बंटवारे की बात करते हैं, और सोचना पड़ेगा कि आपको के दूर राष्ट्र का सपना दिखाने वाला कौन सा व्यक्ति था, किस दल का व्यक्ति था, किस विचारधारा का व्यक्ति था, नंबर एक बात उसमें आप समझ जाइए कौन था। देश की एकता और अखंडता का सवाल पैदा होता है। देश को अगर बचाना है तो इन जालिमों से बचा लो जो आज के दौर के काले अंग्रेज, जो झूठे झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पर बोर्ड लगाया सच बोलो, वही झूठों से एक झूठी सरकार से बचाना होगा, और आपको भी सहयोग करना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज लड़ रहा है, देश की आजादी में भी अल्पसंख्यक समाज का योगदान रहा है, तमाम उलमाओं के मतलब ये सरकलम करके आपके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पेड़ों पर लटका दिए गए थे, 300 साल की गुलामी इनको मंजूर है, इन गुलामों को, लेकिन आजादी मंजूर नहीं है पाकिस्तान के नाम पर। जब बात आती है हगने गए हैं तो नेहरू जी ने कर दिया, और मुंटने गए हैं तो नेहरू जी जिम्मेदार हैं, 70 साल की कमाई को ये 7 साल में बर्बाद करके रख दिया है देश को इकोनॉमिकल। Good day, folks. Fourth churn on. As you've seen, the videos about what's happening yesterday, the video that you would have heard from me suggests very clearly this whole process is going towards the Samajwadi Party. But the reaction you can see on top of what people are actually thinking on the ground, and you can see which way the election is going. But I must tell you, Chanakya is at it. And the only thing that it seems to have come out of now, after all his 3 plans have failed, breaking the Muslims up in second phase, creating Dhruvikaran between Muslims and Jats in the first phase, etc., is again amp up the Dhruvikaran. That's why all the lectures are going on about really, really nasty things against Muslims. But here what we got. Check women in burqa curb bogus voting BJP neta, like I told you. Ansari son files paper from Mao on SBSP seat. After Punjab experience, hope AICC will avert 11th hour decision, says Chuck. I sense that he's sensing that there's something is amiss and Congress may not come back to power and he likes to jump. He's becoming a jumping jack. Let's see. 6 arrested for Bajrang Dal activist murder. Like I said, amp it up. And all the people who've been arrested obviously are Muslims. So when a Bajrang Dal guy gets shot, and probably at the behest of some organization that planned this, right? Innocent Bajrang Dal. Sacrifice a lamb. Let me just tell you this. Sacrifice a lamb of a deep-rooted conspiracy. But anyway, having done that, hey, they're going to declare all Muslims are the killers. But when a Muslim dies,
or a Dalit dies, it takes you forever, especially in UP, to even get an FIR done, right? In fact, there are threats against you, right? When you go to launch a, right, get an FIR launched. Army recruitment on hold, morning run in UP villages is hope and despair. And folks, this is wanna get them down in all phases, unemployment and no bhartis. So another real slap on the face of this party. DMK sweeps civic poll. Stalin says real revolution of Dravidian ideals. And as we go into Bundelkhand, remember this, right? In parched region, paddy farmers plight long wait to sell their crops. And this is 4th Division. This is a guy, paddy farmer Rathi Ram, has been waiting outside a procurement center in Uttar Pradesh's Banda district for close to 2 weeks. An official says about 30% of farmers have not been able to sell their crops yet. And these guys are not going to make it to vote. And maybe that's out of design, because maybe they were going to vote against these guys anyway. You've got to see all this, right? But this is the problem. And you know, in parched region, remember the scam that happened in Yogi's ad, this UP ad, where there was this huge dam in Bundelkhand, and they said ke 80% zameen Bundelkhand ki sichi gayi hai. And then we found out when somebody said it was a photo crop from this is a dam in Andhra Pradesh. Unbelievable, isn't it? Just like the Jewar Airport. Lies and more lies. And then you have this Modi yesterday in a backward region, which probably doesn't know the capital of UP or maybe has never been there, brings up Ukraine. Modi brings Ukraine into poll campaign, repeats claims of terror and espionage. What's he, you know what he's suggesting? Because of what's happening between Russia and Ukraine, you must vote Yogi in, because it will strengthen India's image. Folks, if you vote Yogi in, it'll destroy India's image. Cheers. आगे फूटे मैं हैरान हूँ ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बयान के बाद से ही देश भर में उनकी आलोचना होने लगी और विपक्षी दलों के नेताओं समेत तमाम बड़े पत्रकार इस बात की आलोचना भी करने लगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर साइकिल पर जाते हुए एक बच्चे और उसके पिता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल, सामाजिक बंधनों को तोड़कर बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल, महंगाई का उस पर असर नहीं वो सर पर दौड़ती है हमारी साइकिल, आम जनों का अभिमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है, साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। वहीं आरजेडी प्रमुख मनोज कुमार झा ने कहा, आप नतीजों की कल्पना कर सकते हैं, अब उत्तर प्रदेश में ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल मायने नहीं रखते। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, इनका टेलीप्रॉम्प्टर वाहियात बातें करने लगा है। वहीं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा कि मोदी जी साइकिल गरीब की सवारी है, इसे तो वोट के लिए अपमानित न करें, हार की हताशा में आप तो सभी सीमाएं लांघ रहे हैं, पीएम पर की कुछ तो गरिमा रखिए। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइकिल के बारे में इस तरह का बयान देकर भाजपा का ही नुकसान किया है, क्योंकि साइकिल को आतंकवादियों का पसंदीदा वाहन। सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है, एक तरफ जहां इस मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद भी अपनी ही सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं। अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पीलीभीत सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि देश कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है, जिससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने विजय माल्या और नीरव मोदी और ऋषि अग्रवाल का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग अपनी जिंदगी खुशहाली से जी रहे हैं, लेकिन आम लोगों को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वरुण गांधी ने ट्वीट कर लिखा, विजय माल्या 9,000 करोड़, नीरव मोदी 14,000 करोड़, ऋषि अग्रवाल 23,000 करोड़। आज जब कर्ज के बोझ तले दबकर देश में रोज लगभग 14 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तब ऐसे धन पशुओं का जीवन वैभव के चरम पर है। इस महाभ्रष्ट व्यवस्था पर एक मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। गौरतलब है कि विजय माल्या पर कई बैंकों से लिए गए। And this fourth phase, the other worry that's beginning to happen for them besides the farmers of the Bundelkhand is Varun Gandhi. He is launching broadsides as far as the BJP is concerned, whether it is in Lakhimpur Kheri with what happened to the farmers, whether how the farmers are being treated. He is going to be a worry, as you heard from the tapes about. दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी स्टार प्रचारक पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं सपा मुखिया भी कहां पीछे रहने वाले हैं। अखिलेश यादव भी लगातार जनता से जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी 2 दिनों से रायबरेली में डेरा डाले हुए हैं। मायावती भी धुआंधार जनसभाएं कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे चौथे चरण की चुनावी लड़ाई की। चौथे चरण के इस दौर के लिए क्या है राजनीतिक दलों के सियासी समीकरण, कैसे अपनी जीत का दावा कर रहे हैं नेता, कौन फतह करेगा यूपी, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण का रण जो है वो छिड़ चुका है। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ सहित 9 जिलों की 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा जिले शामिल है। चौथे चरण में सबसे ज्यादा
14 सीटें सुरक्षित हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का रण छिड़ चुका है। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी कर रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ सहित 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होगी, जिनमें पीलीभीत, तो आप समझ गए होंगे ये प्रियंका गांधी हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जिन लोगों से मिल रही हैं वो बीजेपी के कार्यक्रम से लौट कर आ रहे थे, और वो कार्यक्रम था योगी आदित्यनाथ का। और जितने भी हैं ये, यानी कि कार्यकर्ता या शुभचिंतक या बीजेपी को चाहने वाले लोग जो उस कार्यक्रम से लौट रहे थे, योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से, वो प्रियंका गांधी के काफिले में आते हैं और प्रियंका गांधी से मिलते हैं। ये एक अलग तरह का, क्योंकि कांग्रेस का झंडा नहीं बल्कि यहां पर बीजेपी का झंडा दिखाई दे रहा है। ये इसलिए दिखाया क्योंकि कहीं ये ना हो कि प्रियंका ने क्या अपना पाला बदल लिया, प्रियंका क्या बीजेपी में चली गई है। लेकिन यहां कुछ और है, इसे कहते हैं आपकी क्रेडिबिलिटी के साथ साथ आप कितना लोगों के बीच पॉपुलर हो रहे हैं उसकी एक निशानी है। इस पर और भी नेताओं का पेट भर रहा है, सत्ता मिल रही है उनको, राजनीतिक दलों के नेताओं का पेट भर रहा है, आपका पेट नहीं भर रहा है इन बातों से। आपका पेट भरेगा रोजगार से, किसानों के कर्ज माफ करिए। छत्तीसगढ़ में 3 घंटे बाद सरकार आई, शपथ लिया मुख्यमंत्री में, 3 घंटे बाद किसानों के कर्ज माफ होना शुरू हुए 3 घंटे बाद। ये 5 सालों से राज कर रहे हैं, गद्दी पे बैठे हैं, किसके लिए राज है, किसके लिए सरकार चल रही है? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए। ये भ्रमण करते हैं पूरी दुनिया के, आपने देखा होगा टीवी पे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं, किधर किधर जा रहे हैं, कहते हैं कि देश का गौरव बन रहा है। देश का गौरव जब बनेगा, जब देश का नौजवान अपने पैरों पे खड़े होगा। देश का गौरव जब बनेगा, जब देश का किसान सशक्त होगा। किसान ने 1 साल के लिए आंदोलन किया, आप काले कानून ला रहे थे, भाजपा ऐसे कानून ला रही थी जिससे मेहनत करें आप, खून पसीना बहाएं आप, खेती करें आप, फायदा हो बड़े बड़े उद्योगपतियों का, किसका, उनके दोस्तों का, जो आज के दिन में 1,000 करोड़ रुपए एक दिन में कमाते हैं। एक दिन में एक उद्योगपति 1,000 करोड़ रुपए कमा रहा है, देश का किसान 27 रुपए भी नहीं कमा पा रहा। लेकिन ये कहते हैं इनको तो मालूम ही नहीं, इनको तो सिर्फ पाकिस्तान की बात मालूम है, इनको तो सिर्फ आतंकवाद की बात मालूम है, ये तो सिर्फ आपके दिन फूट फैलाएंगे, धर्म की बातें करेंगे, आपके जज्बातों को चुनाव के समय उभारेंगे, क्योंकि इन्होंने काम करके दिखाया नहीं। और सो फर्स्ट इट वॉज मोदी एक्नॉलेजिंग the blowback on the cattle, which is the pashus that are eating up the farms and farmlands. People, you know, people say they go to sleep, they wake up and suddenly the entire crop's gone. And you got to imagine the desperation. And this is Bundelkhand. This is the entire farm belt which he's going to head towards now. Avara pashu. The first thing he comes up with Gobardhan and how he's going to make Gobar a gold for the farmers. This is never really going to happen, is it, folks? But here I've heard in my previous tape, you'll hear this lady talking about, you know, this whole economy has been destroyed by this cow lynching business. It was obviously to target the Muslims, right? They thought they were the main guys, but it eventually hit the Dalits because they were the guys, if you remember in Gujarat, how these 3 guys were beaten to hell, or because all they were doing was ripping a cow apart that was already dead for what they always did, which is the skin. So you destroyed the economy, you destroyed the environment. Why the economy? The Dalits, right? This was a job for them. Then the leather economy, because you wanted to become the Vishwa leader in leather. Now I'm told leather is being imported because of this stuff. We are the largest population of cattle, and we are importing leather. Go get that, folks. You know, and this is the kind of stupidity that religion brings to the table, right? Especially yogi type, RSS type of religion, right? And Sarvakar himself said that religion cannot ride on the tail of an animal, especially the cow. Hey, it's an economic environment, because the gas these guys release, methane, is even the worst culprit as far as the environment is concerned. Do you know that? It's a proven fact, and that's why people want to get rid of cattle farms, and we continue to add to them. Right? Farmers, it's an urban disaster because they're roaming all over the streets. You see in Delhi, they just let go, and hence it becomes a hazard for driving. You have these wild bulls and cattle beating up, actually injuring and killing people.
And now Yogi comes up with this. Right? Yogi promises monthly stipend for cow protection. This time, what does it have that saying? Na? Dher aaye to durust aaye. I ain't think this is going to work for Yogi, my man. Nor for Modi, my man. Jai Hind.